पहले मुझे उसका दैट आई हैव टू फाइंड आउट। तो अब यहाँ पे ध्यान दो, अगर मैं बी सी को एज डायमीटर लेके चलती हूँ, इफ दिस इज बी सी, ये डायमीटर अगर मैंने लिया, तो जो मेरा सर्कल मैंने बनाया रफ फिगर में, अकॉर्डिंग टू दैट दिस एंगल इज 90 डिग्री। ये कंडीशन मुझे गिवन थी कि ए सी पे मुझे बी से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इट मीन्स कि बी सी को मुझे क्या लेना पड़ेगा, डायमीटर लेना पड़ेगा, तब मेरा जो गिवन कंडीशन है वो सेटिस्फाई हो रही है। अब अगर मैं बी सी को डायमीटर ले रही हूँ, तो बाय ड्रॉइंग इट्स परपेंडिकुलर बाय सेक्टर आई कैन फाइंड आउट इट्स सेंटर। तो ये सेंटर हो जाएगा, ओ आ गया मेरे पास। उसके बाद ये सर्कल है, इस सर्कल पे एक्सटीरियर पॉइंट ए से आपने क्या ड्रॉ करने हैं, यू आर टू ड्रॉ द टेंजेंट्स, यानी कि जो हमारा यहाँ पे फर्स्ट जो हमने स्टेप लेना है, दैट इज टू कंस्ट्रक्ट अ राइट ट्राइंगल विद साइड्स ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, एंगल बी 90 डिग्री। तो सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेक अ लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, थोड़ा सा नीचे करके इसको ड्रॉ करना क्योंकि फिगर जो है वो आपकी ऊपर की तरफ बन रही है। तो बी सी हमने ले ली 8 सेंटीमीटर, ये हो गया आपका फर्स्ट स्टेप। अब इन द नेक्स्ट स्टेप जो है हमें 90 डिग्री का एंगल बनाना है बी पे, तो कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट बी, दिस इज योर बी, बी पे रखो कंपस, 90 डिग्री का एंगल यू नो हाउ टू ड्रॉ, तो कंस्ट्रक्ट द एंगल। इनको ज्वाइन कर दो, सो दिस विल बी योर 90 डिग्री एंगल। इन दोनों पॉइंट्स से पास करती हुई लाइन होनी चाहिए आपकी। और एक चीज का आपने ध्यान रखना है, अब जो यहाँ पे आप लोगे, पहले 90 डिग्री का एंगल बना लो साथ में, इसको नाइन्टी डिग्री का एंगल बनाने के बाद आपने क्या करना है, हमें ए बी जो है वो 6 सेंटीमीटर गिवन है, तो आपने अपने कंपस को 6 सेंटीमीटर ओपन करना है। मैं बिना मेजर के कर रही हूँ, यू आर टू मेजर इट। और आपने क्या करना है, जो आपने 90 डिग्री वाली ली है लाइन, उस पे आर्क लगा लेनी है, तो दिस विल बी योर पॉइंट ए। अब ए और सी को आप ज्वाइन कर दें, तो दिस विल बी योर ट्राइंगल ए बी सी, ए और सी को ज्वाइन कर दो। तो दिस इज द राइट ट्राइंगल ए बी एंड सी। आई होप अप टू दिस पॉइंट यू वुड हैव मेड, यू हैव कंस्ट्रक्टेड दिस ट्राइंगल। यू कैन शो योर थम्स अप इफ एनीवन इज हैविंग एनी डाउट इन दिस, यू कैन रेज योर हैंड, आई विल अनम्यूट एंड यू कैन आस्क योर डाउट। डोंट हेजिटेट टू आस्क योर डाउट, ओके फाइन, थैंक यू। सो दिस इज योर ट्राइंगल ए बी सी, ये आपका 8 सेंटीमीटर है, दिस इज योर 6 सेंटीमीटर। अब इसके बाद जो मेन काम है हमारा वो शुरू हो रहा है। अब हमें वो क्या कह रहा है कि बी डी इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी ऑन ए सी। तो अब इस रफ फिगर में मैंने आपको बताया कि अगर हम बी सी को डायमीटर लेते हैं, बी सी को डायमीटर लेके इसके मिड पॉइंट से अगर हम सर्कल ड्रॉ करते हैं, तो वो ए सी को जहां पे इंटरसेक्ट कर रहा है, उसको बी और डी उस पॉइंट को ज्वाइन करने पे ये हमारा एंगल इन सेमी सर्कल बन रहा है, तो ऑटोमेटिकली ये एंगल हमारा 90 डिग्री का आ जाएगा। सो व्हाट वी आर टू डू, वी आर टू फाइंड द मिड पॉइंट ऑफ बी सी नाउ। तो मिड पॉइंट ऑफ बी सी निकालने के लिए व्हाट वी आर टू डू, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हम इसका ड्रॉ करेंगे। बी पे कंपस रखो मोर देन हाफ, इसका अप्रोक्सीमेट वैसे तो हमें पता है हाफ 4 है, बट अगेन वी आर टू डू दिस थ्रू कंस्ट्रक्शन,
तो मोर देन हाफ आपने इसको ओपन करना है, अप्रोक्सीमेट हाफ नहीं समझ आता तो मुझे इसका हाफ पता है 4 सेंटीमीटर है, आप 5 या 6 सेंटीमीटर लेके इस तरीके से आर्क ड्रॉ कर दो। बी पे रख के आर्क रखो, ड्रॉ करो, सेम कंपास आपका खुला रहेगा, एंड देन सी पे रख के आर्क ड्रॉ कर लो। अब इनको ज्वाइन कर दो। ज्वाइनिंग बहुत ध्यान से करना कि पॉइंट्स आपके ये चीज जरूरी, इसका ध्यान रखना है कि लाइन को ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपका इंटरसेक्ट करता हुआ दिखे, क्योंकि यही पॉइंट आपको मिड पॉइंट देगा। सो दिस इज द मिड पॉइंट, इसको मैंने एम से डिनोट कर दिया। अब अगेन एम बी या एम सी के जितना रेडियस लेके वी हैव टू ड्रॉ द सर्कल परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। दोबारा से स्टेप्स सुन लो। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव ड्रॉन अ लाइन सेगमेंट बी सी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, देन एट बी वी आर टू कंस्ट्रक्ट दिस एंगल ऑफ 90 डिग्री, देन जो ये आपका 90 डिग्री का एंगल बना इसको 6 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें इसकी लेंथ गिवन थी तो हमने 6 सेंटीमीटर की आर्क ड्रॉ की, देन वी हैव ज्वाइंड दिस ए सी। नाउ दिस इज योर राइट ट्राइंगल ए बी सी। इन द नेक्स्ट स्टेप वॉट वी आर टू डू, वी आर टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू दिस ए सी। तो बी डी इज द परपेंडिकुलर टू ए सी। फॉर दैट वॉट वी हैव डन, वी हैव टेकन द परपेंडिकुलर, ड्रॉन द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। अब एम बी जितना आप इसको खोल लो या एम सी जितना आप खोल लो, एम पे कंपस रखो, बी जितना आपका जो है रेडियस गिवन है तो एम बी जितना आप रेडियस खोल लो। अब जब आप यहाँ से सर्कल ड्रॉ करोगे तो बी और सी दोनों पॉइंट्स से अगर वो पास कर रहा है इट मींस योर कंस्ट्रक्शन इज करेक्ट। तो फुल सर्कल हम ड्रॉ करेंगे जो आपका यू कैन सी सी से पास करेगा। और इधर ये पास कर रहा है आपका बी से। सो दिस इज द सर्कल। अब सर्कल जहां पे इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है, दिस पॉइंट नेम दिस एज बी। ए सी को जहां पे ये सर्कल कट कर रहा है नेम दिस पॉइंट एज डी। अब बी और डी को आप ज्वाइन कर देंगे। तो जब ये हमने बी और डी को ज्वाइन किया तो ये हमारा जो है एंगल बन गया 90 डिग्री का। सो दिस बी डी जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू ए सी। अब हमें मिड पॉइंट मिल गया सर्कल का, हमें सेंटर मिल गया, जो उसने कंडीशन हमें दी थी कि बी डी शुड बी परपेंडिकुलर फ्रॉम बी टू ए सी, हमने वो भी ड्रॉ कर लिया। अब ये मिड पॉइंट है एम। तो अब इस मिड पॉइंट पे हमने क्या करना है, वी आर टू, अब ये हमारा एक्सटीरियर पॉइंट है सर्कल का, इस एक्सटीरियर पॉइंट से हमने इस सर्कल पे टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। यानी कि अब मेरा जो क्वेश्चन है वो रिड्यूस हो गया, मेरे पास सेंटर ऑफ द सर्कल है, यहाँ पे ये मुझे एक्सटीरियर पॉइंट गिवन है, एक्सटीरियर पॉइंट से मुझे सर्कल पे टू टेंजेंट्स ड्रॉ करने हैं। सेम मेथड दैट वी आर यूजिंग, सेंटर को एक्सटीरियर पॉइंट से ज्वाइन करो। ए एम का मैंने नेम्स वही लिए हैं जो मेरे फिगर में हैं, ताकि जब हम यहाँ बनाएं तो आपको क्लियर हो जाए। अब ए एम का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे इसके मिड पॉइंट से। लेट अस सपोज दिस इज एन, तो इस मिड पॉइंट से आप सर्कल ड्रॉ कर दोगे, और सर्कल गिवन सर्कल को जिन दो पॉइंट्स पे कट करेगा, एक तो पॉइंट वो आपका बी ही आएगा, तो एक तो ये ए बी ही बनेगा ये वाला पॉइंट, और दूसरा जो है ये पॉइंट आपका बन रहा है, तो आप इसको कट कर दोगे। तो दीज विल बी, इसको पी ले लो, इसको क्यू ले लो, तो ए पी एंड ए क्यू जो है दैट विल बी द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। तो अब हमने यानी कि बाकी सब चीजें इग्नोर करके वी आर टू कंसेंट्रेट ऑन दिस पॉइंट एम,
एंड दिस पॉइंट ए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल ज्वाइन ए एम. एम जो है दैट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल, और ए जो है दैट इज एन एक्सटीरियर पॉइंट टू द सर्कल. तो आपने सबसे पहले क्या करना है, ए और एम को ज्वाइन कर दो, सेंटर को एक्सटीरियर पॉइंट से ज्वाइन कर दो. यही करते आ रहे हैं हम अब तक. तो ये मैंने ज्वाइन कर दिया. मैं इसका कलर अलग ले लेती हूँ ताकि आपको ये लाइन सेगमेंट क्लियर दिखे. अब इस लाइन सेगमेंट का हमने क्या करना है, वी आर टू ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए ए और एम का हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं. कंपास को एम पे रखो, मोर देन हाफ, अप्रोक्सीमेट मोर देन हाफ ये आर्क लगाओ, और इस साइड आर्क लगाओ जहां पे भी लग रही है आपकी ये आर्क, उतनी ही कंपास खुली रहेगी. ए पे रखो और ये आर्क लगाओ और ये आर्क लगाओ. जहां पे ये दोनों आर्क आपकी कट कर रही हैं, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो. वहां से आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल जाएगा. ये हमें परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मिल गया. इस पॉइंट को मैंने नेम दे दिया एन. तो एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एम. ये मैंने इसको नेम दे दिया एन. तो एन इज द मिड पॉइंट ऑफ ए एम. अब सेम सर्कल ड्रॉ करना है हमने, तो एन को हम मिड पॉइंट लेंगे. ए जितना कंपास को खोलोगे या एम जितना कंपास को खोलोगे, एन पे आपने कंपास रखनी है. तो ये हमने कंपास रख ली एन पे, और ए जितना खोल के हमने सर्कल ड्रॉ किया. सेम सर्कल विल पास थ्रू एम. सेम वे में हम इधर से ड्रॉ कर लेंगे. तो ये आपका सर्कल कंप्लीट हो जाएगा. जहां पे ये गिवन सर्कल जो था हमारा, जिसको हमने पहले ड्रॉ किया है, उसके साथ इंटरसेक्ट करेगा. दैट पॉइंट विल गिव यू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. तो एक मेरा पॉइंट ये आ रहा है विच इज सेम एज योर पॉइंट बी. अगर ये पॉइंट बी की तरह आपका सेम आ रहा है तो योर कंस्ट्रक्शन इज ओके. और दूसरा पॉइंट ये आ रहा है, इसको मैंने नेम दे दिया. यहाँ मैंने पी लिखा था, यहाँ बी आएगा क्योंकि बी ऑलरेडी हमारे पास पॉइंट है. इसको पी ले लो. अब ए बी और ए पी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स. तो इनको हम ज्वाइन कर देंगे. तो फिर से हाईलाइट कर रही हूं मैं, सो दैट इट इज क्लियर टू यू. ये ए पी है आपका, वन टेंजेंट इज दिस ए बी, एंड द सेकेंड वन इज ए पी. सो ए बी एंड ए पी आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स. सो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 6 ऑफ एक्सरसाइज 11.2. सो इफ एनी डाउट इज देयर देन यू कैन आस्क फॉर द डाउट. Otherwise, I am moving on to the next question. You can raise your hand if any doubt is there. If no doubts are there, then we are moving on to the next one. So, question number 7. In question number 7, we are having draw a circle with the help of a बेंगल. तो आपने सबने क्या करना है, एक बेंगल की हेल्प से या एक कड़े की हेल्प से एक सर्कल ड्रॉ कर लो जिसका सेंटर हमें नहीं पता होगा. ये याद रखना. तो हमें ऐसा सर्कल चाहिए
जिसका सेंटर हमें ना पता हो, तो कड़े या बेंगल की हेल्प से आप सर्कल ड्रॉ कर लो। उसके बाद हमें उसने क्या कहा, टेक अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, सर्कल के बाहर हमने एक पॉइंट लेना है, एंड कंस्ट्रक्ट द पेयर ऑफ टेंजेंट्स फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। फिर हमने क्या करना है, पेयर ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉ करना है फ्रॉम दिस पॉइंट टू द सर्कल। तो सर्कल आई होप आपने ड्रॉ कर लिया होगा, क्योंकि यहाँ पे ऑब्वियसली कि हम उसको बेंगल के साथ ड्रॉ कर रहे हैं, तो वी आर नॉट गिवन द रेडियस ऑफ दैट सर्कल। तो आप जितना भी बेंगल या कड़े का आपका साइज है, विद दैट यू आर टू ड्रॉ दिस सर्कल। सर्कल ड्रॉ करने के बाद व्हाट वी आर टू डू नेक्स्ट इज, फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर टू फाइंड इट्स सेंटर। आपने 9th स्टैंडर्ड में किया हुआ है, वेन एवर वी आर गिवन अ सर्कल यू नो हाउ टू फाइंड आउट इट्स सेंटर। सर्कल जब हमें गिवन है, उसका सेंटर फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करते हैं, उसकी कोई भी दो नॉन पैरेलल कॉर्ड्स लेते हैं। ध्यान रखना है आपने पैरेलल कॉर्ड्स मत लेना, क्योंकि अगर आप पैरेलल कॉर्ड्स लेके चलोगे तो पैरेलल कॉर्ड्स में क्या होगा, जब आप उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करोगे तो उनका इंटरसेक्शन पॉइंट जो है वो आपको नहीं मिलेगा, ठीक है? क्योंकि ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है, ये भी इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो इट मींस कि क्योंकि वो दोनों आपके सेम स्ट्रेट लाइन पे लाई करेंगे, तो यू वोंट बी एबल टू फाइंड आउट द मिड पॉइंट ऑफ दैट। तो इसके लिए आपने क्या करना है, लाइंस जो कॉर्ड्स आप लोगे वो पैरेलल नहीं लेनी है, आपने क्या करना है, टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स लेनी है सर्कल का सेंटर फाइंड आउट करने के लिए। एक जो है कॉर्ड आपकी ऐसे हो जाएगी, दूसरी कॉर्ड अगर मैंने ऐसे ली है तो इसका परपेंडिकुलर ऐसे हो जाएगा। नाउ यू कैन क्लियरली सी देयर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, तो वट एवर विल बी द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन दैट विल बी द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 1 की फॉर्म में रिड्यूस हो गया, कि मुझे सेंटर ऑफ द सर्कल गिवन है, एक एक्सटीरियर पॉइंट गिवन है, एंड आई हैव टू ड्रॉ द टेंजेंट। सो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस, इन ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चंस यू हैव सीन कि सर्कल के सेंटर से, मतलब गिवन एक सर्कल पे फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल आप टेंजेंट्स ही ड्रॉ कर रहे हो। सिर्फ 2-3 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसमें थोड़ा सा कंसेप्ट डिफर हो गया, अदरवाइज घूम फिर के यही मेथड आपका अप्लाई हो रहा है। सो ये बेंगल की हेल्प से आपका सर्कल बन गया होगा। नाउ व्हाट वी आर टू डू, टेक एनी टू नॉन पैरेलल कॉर्ड्स, कहीं पे भी ले लो, आपकी मर्जी है। मैंने एक ही ये ले ली और एक कॉर्ड ये ले ली। आप चाहो तो विद कॉमन वर्टेक्स भी ले सकते हो। इसको मैंने नेम दे दिया ए बी, एंड दिस इज कॉल्ड सी डी। अब हमने क्या करना है, इनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं। तो यू नो जो भी एंड पॉइंट्स हैं वहां पे रख के कंपस, मोर देन हाफ कंपस को खोल के यू आर टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। तो एक ऊपर की तरफ आर्क लगाएंगे, एक आर्क नीचे की तरफ लगाएंगे, सेम कंपस का रेडियस खुला रहेगा, देन बी पे रख के ऊपर नीचे आर्क लगाओगे। अब इसको आप ज्वाइन कर देंगे। सो एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा ड्रॉ हो गया कॉर्ड ए बी का। अब सेम वे में कॉर्ड सी डी का परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। फॉर दैट कंपास को आप सी पे रखिए, देन मोर देन हाफ एक आर्क ऊपर की तरफ लगाइए, एक आर्क नीचे की तरफ लगाइए, डी पे कंपास रखिए, एक आर्क ऊपर की तरफ लगा दो और एक आर्क जो है वो नीचे की तरफ लगा दो। सो फिर से जहां पे ये आपकी आर्क्स मैं हाईलाइट कर रही हूँ, जो मेरी हैं आर्क्स, ये वाली और ये वाली है, और इधर ये क्लियर है, तो इनको आप क्या करोगे, ज्वाइन कर दोगे। अब जहां पे ये इंटरसेक्ट कर रही है मेरी ये पिंक वाली और ये ब्लू वाली, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल।
ओ ये सेंटर ऑफ द सर्कल आ गया ओ, जहां पे दोनों आर्क्स आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, दैट पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। अब क्वेश्चन नंबर 1 वाली फॉर्म बन गई हमारी, वी आर गिवन अ सर्कल विद अ सेंटर एंड वी आर गिवन अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, वी आर टू ड्रॉ द टेंजेंट्स फ्रॉम दैट एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। तो हम ओ पॉइंट हमें गिवन है, कहीं पे भी बाहर मैंने एक पॉइंट ए ले लिया, एट एनी डिस्टेंस यू कैन टेक, क्योंकि हमें डिस्टेंस गिवन नहीं है। यहां तक पहले मुझे बताओ कि सबका हो गया, अदरवाइज आई कैन वेट। जस्ट अ मोमेंट शांति। हाँ जी मैम, जो कॉर्ड के मेजरमेंट है वो सेम होना चाहिए कि डिफरेंट भी हो नहीं, इट कैन सकता बी है? डिफरेंट, इट कैन बी डिफरेंट, दैट इज अप टू यू कि आप क्या मेजर के साथ लेना चाहते हो। इट्स नॉट ओके मैम, नेसेसरी कि थैंक आप यू। इनकी लेंथ से सेम रखेंगे। नेक्स्ट वी आर हैविंग एक्सटीरियर पॉइंट हमें गिवन है। आई कैन सी कि अभी लास्ट में आके 3 स्टूडेंट्स और मेरे पास ज्वाइन कर रहे हैं, तो जो बच्चे अब लास्ट में आए हैं, मैंने बीच में जो अटेंडेंस ले ली है ले ली है। फॉर दीज स्टूडेंट्स आई एम नॉट गोइंग टू मार्क द अटेंडेंस। लास्ट 10 मिनट्स में अगर आप ज्वाइन कर रहे हो एंड यू थिंक कि अटेंडेंस लग जाएगी आपकी, तो दैट विल नॉट हैपन। सो ए और ओ को आप ज्वाइन कर दीजिए, सेम मेथड है आपका। अब ओ ए जो है सेंटर ज्वाइन हुआ एक्सटीरियर पॉइंट से, जो भी सेंटर को ज्वाइन करते हैं एक्सटीरियर पॉइंट से, जो हमारे पास लाइन सेगमेंट आती है, दैट लाइन सेगमेंट हमने क्या करना होता है। रिक्शत, आई कैन सी योर हैंड रेज ओवर हियर, जस्ट अ मोमेंट, इफ देयर इज एनी गुड डाउट। मॉर्निंग पार्डन, मैम, हम ये एक्सटीरियर पॉइंट है, कहीं भी ले सकते हैं ना? हाँ जी कहीं पे भी ले सकते हो, इधर लो इधर लो इधर लो, यहाँ लो यहाँ लो, दैट इज योर विश। मुझे स्ट्रेट लाइन से जो है समझाना इजी लगता है, तो दैट्स व्हाई आई हैव टेकन इन दिस वे। आप कहीं पे भी ले ओके सकते मैम। हो। ओके, सर्कल किसी भी रेडियस का ले सकते हो, बैंगल का साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हो, जितना बैंगल का साइज बड़ा होगा दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑन द कॉर्ड। सर्कल का साइज अगर छोटा होगा तो वो बहुत हॉच पॉच सा लगेगा आफ्टर कंस्ट्रक्शन, तो कोशिश करना कि बैंगल थोड़ी बड़ी हो, मम्मा की ले लेना। उसके बाद सेंटर निकालने के बाद कहीं पे भी सर्कल के चारों और कहीं पे भी आप पॉइंट ले सकते हो। मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ या करवाती हूँ, तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिया है। नेक्स्ट स्टेप में ओ और ए को ज्वाइन करना है। ए का डिस्टेंस आप कम ज्यादा कर सकते हो, बट अगेन क्योंकि ये लेंथ आपकी बड़ी होगी, तो दैट विल बी कन्वीनियंट फॉर यू टू कंस्ट्रक्ट द टेंजेंट्स। जो आपके टेंजेंट्स हैं वो क्लियर कट दिख रहे होंगे। तो अब हमने क्या करना है, ओ ए का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है। तो ओ पे कंपस रखो, मोर देन हाफ इसको ओपन करो, आंख लगाओ ऊपर और नीचे। अच्छा, एक चीज का और ध्यान रखना कि ए इतना ज्यादा दूर भी मत ले लेना कि आपकी कंपस ना ओपन हो। तो ये चीजें छोटी छोटी हैं बट आपको ध्यान देना पड़ेगा। अब ए पे रखी कंपस, सेम रेडियस और अगेन ऊपर और नीचे आर्क लगा लो। जहां पे भी ये दोनों आर्क्स आपकी इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दो। तो आपके पास मिड पॉइंट आ जाएगा। सेम स्टेप्स हम फॉलो कर रहे हैं दैट वी हैव फॉलोड इन क्वेश्चन नंबर 1। दिस इज योर पॉइंट एम। नाउ वी आर टू अगेन कंस्ट्रक्ट द सर्कल विथ सेंटर ओ, सेंटर एम एंड रेडियस एम ओ और एम ए। तो ये हमने सर्कल ड्रॉ कर देना है। ध्यान रखना कि वो ए से पास करेगा, अगर वो ए से पास नहीं कर रहा इट मीन्स आपकी कंस्ट्रक्शन में कुछ गड़बड़ है, तो आप उसको थोड़ा सा दोबारा देखेंगे।
तो ये हमारा सर्कल बन गया। अब ये किन किन पॉइंट्स पे इसको टच कर रहे हैं, नेम दे दो उनको टी एंड एस, लाइक वी हैव गिवन इन द फर्स्ट क्वेश्चन। अब इनको ज्वाइन कर दो, ए को टी के साथ, ए को एस के साथ। सो दिस ए टी एंड ए एस आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट्स। So these are the required tangents. So this was your question in all. Circle draw करना था हमें with the help of bangle, और point outside the circle लेके वहां से हमने tangents draw करने थे. So with this your chapter 11 constructions is over. If any doubt is there, you can ask for your doubts. Otherwise, we will start with chapter number 13 first. Application of trigonometry we will do later on. क्योंकि उसमें just मुझे revise ही करवाना है आपको. So I will go for this chapter 13. Just a moment, Amrit. Trigonometry किया कब है? बेटे application of trigonometry 9th chapter we had already done. किया था हमने यार, नहीं ना पहले वो ही करवा दो, छोटा चैप्टर है ना पहले वो करवा दो उसमें। चलो वो करवा देती हूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम। जस्ट अ मोमेंट ध्रुव, ओके अमृत म्यूट योरसेल्फ। ध्रुव मैम इसके होमवर्क पार्ट्स बता दो, इस चैप्टर के सारे होमवर्क पार्ट्स। ऑल हां जी, ऑल पार्ट्स, बोथ फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन यू आर टू डू, क्योंकि कंस्ट्रक्शन है तो आई वुड लाइक टू सी कि आपने सही बनाई है या नहीं बनाई है। एंड वन थिंग मोर कि मेरे पास अभी भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने नोटबुक्स नहीं सेंड की हैं, तो दिस सैटरडे इज द लास्ट डे फॉर यू पीपल टू सेंड योर नोटबुक्स ऑफ चैप्टर्स 4, 5 देन 10। उसके बाद जिनका चेक हो गया मंडे ऑनवर्ड्स चैप्टर 14 एंड 11 दोनों की पीडीएफ आप इकट्ठी सेंड करोगे। दो तीन बच्चों ने चैप्टर 14 जिन्होंने चेक करवा लिया है, they need not send it again, they will send only chapter number 11 because I am having all ticks with me ki kisne kaun sa chapter check karwa liya hai. Kuch bacche beech mein abhi bhi aise hain, those who are not sending me the that pdf of chapter 4 ki hamara chapter 4 check ho gaya tha. For your kind information let me make you clear one thing that before holidays aapki winter vacations se pehle हमने जो क्लासेस लगाई थी इन दैट ओनली अप टू 4.2 जो है आपका वर्क चेक्ड है, 4.3 जो है वो पूरी चेक्ड नहीं है। तो 4.3 का जो आपका लास्ट पेज चेक्ड है, कुछ बच्चों के उसके कुछ क्वेश्चंस चेक हो गए थे, तो लास्ट चेक्ड पेज यू आर टू इंक्लूड इन योर पीडीएफ। और उसके आगे के जितने क्वेश्चन है 4.3 और 4.4 दोनों एक्सरसाइजेस हैं, उनकी पीडीएफ इंक्लूडिंग चैप्टर नंबर 5 एंड चैप्टर नंबर 10 तो ये आपने मुझे भेजनी है। देन मंडे यू विल सेंड योर चैप्टर नंबर 11 एंड चैप्टर नंबर 10 एंड तब तक हम अपना चैप्टर 9 भी कंप्लीट कर लेंगे, तो इंक्लूड दैट आल्सो इन दैट। एंड ओनली होमवर्क पार्ट्स यू आर टू सेंड, डोंट सेंड मी द इंट्रोडक्शन बिकॉज दैट आई एम सेंडिंग, उसी को आप कॉपी करके भेज रहे हो क्योंकि वो डेफिनेशंस हैं, तो आई वोंट लेट यू राइट डाउन देम योरसेल्फ, दैट्स व्हाई आई एम सेंडिंग यू दैट। क्योंकि डेफिनेशन में जो है वो हम चेंजेस नहीं कर सकते अपने पास से, डेफिनेशन जब भी होती है यू नो बीइंग अ साइंस स्टूडेंट कि वो आपको एज इट इज ही लेनी होती है, उसमें आप अपनी लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते हो। तो डोंट सेंड मी द इंट्रोडक्शन, ओनली सेंड मी द होमवर्क पार्ट्स, जो मैंने होमवर्क में दिए थे आपने खुद किए हैं एंड जो हम क्लास में डिस्कस कर चुके हैं, अगर वो होमवर्क पार्ट है देन ओनली यू विल सेंड, अदरवाइज यू नीड नॉट सेंड। सो नाउ चैप्टर 9 जो है उसकी एक इंट्रो दे देती हूँ मैं। चैप्टर 9 जो है हमारा दैट इज एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बेस्ड ऑन द राइट एंगल ट्राइंगल। 16 क्वेश्चंस हैं टोटल आपके, तो क्वेश्चंस जो बहुत टिपिकल होंगे दैट ओनली आई विल डू ओवर हियर, अदरवाइज रेस्ट विल बी योर होमवर्क पार्ट्स। नो डाउट अगर होमवर्क पार्ट वाले क्वेश्चंस में इफ यू विल बी हैविंग एनी डाउट तो यू कैन आस्क फॉर योर डाउट्स द नेक्स्ट डे। चैप्टर 9 में हमें जो कंसेप्ट लगा होगा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री है ये चैप्टर आपका। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री मींस जो आपने ट्रिग्नोमेट्री की थी पीटी टर्म 1 में, तो उसको आप कहाँ पे डेली लाइफ में अप्लाई कर सकते हो। डेली लाइफ में जब हम इसको अप्लाई करते हैं तो बहुत सारे हमारे जो है बनते हैं, इंजीनियरिंग में तो मोस्टली यही कंसेप्ट आपका यूज होता है, रादर जो आपके इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट वाले हैं
वो भी इस कंसेप्ट को यूज करते हैं कि उन्होंने उसमें वो एंगल वगैरह बना के देख लेते हैं कि अगर ये पॉइंट यहाँ पे है तो किस एंगल पे जो है बुलेट वो फायर की गई, कि जो पर्सन है उसकी डेथ हुई, कि शूटर जो था वो कितने डिस्टेंस पे था। तो ये सारी चीजें जो है वो यूजिंग दिस ट्रिग्नोमेट्री दे कैन फाइंड आउट। अब इसमें जो हमें क्वेश्चंस हैं वो सारे सेम चैप्टर 8 वाला कंसेप्ट यूज होगा। हमारे पास परपेंडिकुलर होगा, हमारे पास बेस होगा, हमारे पास हाइपो होगा, हमारे पास थीटा। और 4 अननोन्स हैं, 4 में से any 3 विल बी गिवन टू यू। तो उनके बेसिस पे जो है आपने जो थिंग्स हैं वो फाइंड आउट करनी है। अगर कई बार आपको 2 चीजें भी गिवन है, क्योंकि हमारा जैसे फॉर्मूला है पी बाय एच लेके चलते हैं हम, तो दिस इज योर साइन थीटा। तो इसमें अगर मुझे 2 चीजें भी गिवन है तो थर्ड आई कैन फाइंड आउट। तो अगर P और B मुझे गिवन है, आई कैन फाइंड आउट H। अगर मुझे P और H गिवन है, आई कैन फाइंड आउट B। जो पाइथागोरस थ्योरम है वो आप यहाँ पे लगाओगे एंड अकॉर्डिंगली जो जो हमें कंडीशंस गिवन होंगी दैट वी विल फाइंड आउट। तो दिस वी विल स्टार्ट विद टुमारो। एक बार जो है इसके एग्जाम्पल्स के गो थ्रू हो जाना तो कंसेप्ट आपका रिकॉल हो जाएगा, एंड देन वी विल स्टार्ट विद दिस एक्सरसाइज 9.1। So, with this, today's lecture is over as the bell has gone. If anyone is having any doubt, so you can ask your